अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ AIMPLP के पुनर्विचार याचिका पर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मंजूर होगा, वहीं मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। स्वामी ने एक प्रार्थना दिया था कि इसकी सुनवाई जल्दी किया जाए और उसको निरस्त कर दिया और कहा कि जो पक्षकार है हम उन्हीं की बात सुनेंगे, पक्षकार के बाद जो कोई आता है उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो पर्सनल बोर्ड पक्षकार नहीं है, सुन्नी सेंटर बोर्ड पक्षकार है। पहली बात तो जब पक्षकार नहीं है, जब वहाँ कोर्ट में जाएगा तो वो इसे निरस्त हो जाएगा, पहली बात यह है। दूसरी बात, जो लोग इसमें अब इसको नए ढंग से पुनः पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं, इसके पहले कहा करते थे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। तो पहली बार जो पालन करने का इन्होंने वादा किया उससे भूल गए, उसको पिछड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पराजित नहीं किया, सबको अधिकार दे दिया। राम विराजमान रामलला को दे दिया, इनको 5 एकड़ जमीन दे दिया, 5 एकड़ जमीन जहाँ मुस्लिम क्षेत्र माहौल हो वहाँ मस्जिद बना लिया। देखिए सवाल यहाँ कानून का है, जो कोर्ट ने फैसला करके दिया है कि मंदिर सरकार बनाएगी मस्जिद सरकार बनाएगी, हम उसमें जो है कोई ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते। हमें चाहते हैं कि हम सरकार का जो है सरकार को जो है सब मिला है, मंदिर सरकार बनाएगी मस्जिद सरकार बनाएगी, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई है, हम तो पक्षकार हैं।